सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातु। नाजरीन, सिवड़ी क्विज कॉन्टेस्ट, एक कॉन्टेस्ट जो आ रहा है आपके सिवड़ी में, जिसकी दो मीटिंग हो चुकी है, उसमें हम कुरान और अहले बैत के ताल्लुक से कुछ सवालात बच्चों से पूछेंगे, बच्चों को याद दिलाएंगे। और ये पहला वीडियो है जिसमें पहले कुछ क्वेश्चंस आपको, यानी कुछ सवालात आपको इस वीडियो से हासिल करने हैं। ये पूरा सिलेबस है जो आपको यूट्यूब के जरिए और फेसबुक के जरिए हासिल हो रहा है। फेसबुक पे हमारी जो पेज है एनजीओ रजा गौस वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से, और जितने भी फेसबुक के वीडियोस आएंगे, जो भी यूट्यूब के वीडियोस आएंगे, उनको आपको न सिर्फ देखना है बल्कि आपको अपने वालिद के नाम के साथ कमेंट करना है कि मेरा नाम ये है, मेरे वालिद साहब का नाम ये है। लेकिन इस पूरे कॉन्टेस्ट में सिवड़ी, खिड़वाई नगर, जकरिया बंदर और कॉटन ग्रीन तक के लोगों को इसमें हिस्सा लेने की इजाजत है। 6 नंबर गेट और जितने भी उसके मसाफात के, जो नजदीक के जो इलाके हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को इस क्विज में हिस्सा लेने की इजाजत है। और क्विज के लिए आपकी उम्र का कोई तकाजा नहीं है। हर उम्र के लोग, मर्दों में हर उम्र के लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, और औरतों में, लड़कियों में सिर्फ 12वीं, जो इस साल 12वीं दे रहे हैं, 12वीं या 12वीं पास करके घर में बैठे हैं, तो 12वीं तक के बच्चों के लिए ये क्विज कॉन्टेस्ट है। लड़कियों के लिए यानी फर्स्ट से लेकर 12वीं तक, और मर्दों के लिए फर्स्ट से लेकर जितना भी ओपन है, बिल्कुल ओपन है, मर्दों के लिए बिल्कुल ओपन है। उसमें जो सवालात आने वाले हैं, वो सवालात अभी आपको मैं बता रहा हूं पहले से ही, उसके जवाब के साथ जो सवाल आएंगे, सवाल के साथ जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। और ये पूरा वीडियो आपको देखना है अगर आपको इस क्विज में हिस्सा लेना है। इस क्विज के ताल्लुक से एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है, कोई एंट्री फीस नहीं है, नो एंट्री फीस एट ऑल। कोई भी फीस अगर आपसे मांगता है कोई भी, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। इसमें कोई फीस नहीं है, सिर्फ इतना है, अगर आपको इस सिवड़ी क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है तो आपको हमारे YouTube चैनल पे और Facebook पर अपना नाम अपने वाले साहब के नाम के साथ दर्ज करना है, क्योंकि हमारे पास पहले से 72 लोगों की एंट्री आ चुकी है बच्चों की। तो उन बच्चों में से और भी जो बच्चे अभी आज के दिन में ऐड होंगे, क्योंकि आज इतवार का दिन है, 11वीं शरीफ का दिन है, और इस 11वीं शरीफ के दिन में आज 3 बजे हमारी थर्ड मीटिंग है, और इस थर्ड मीटिंग में जो बच्चे और नाम अपना लिखाएंगे, उसके बाद ये यूट्यूब चैनल पर जब हमारे जाएंगे और यूट्यूब चैनल पर जब वो ये सवालात देखेंगे, उस सवालात के जवाबात उनको घर में बैठ के तैयारी करनी है। और जो मेन ये क्विज कॉन्टेस्ट होगा जिसमें इनाम दिया जाएगा, बहुत बड़े बड़े इनाम है इसमें, तो जो इनाम दिए जाएंगे वो 31 दिसंबर को, याद रखें 31 दिसंबर को असर की नमाज से लेकर ईशा की नमाज तक ये क्विज कॉन्टेस्ट होगा। और ईशा की नमाज के बाद जो तकरीरें होगी, उसके बाद इस क्विज कॉन्टेस्ट वालों को इनामात दिए जाएंगे। उनके माँ बाप को हाजिर होना पड़ेगा, क्योंकि उनके माँ बाप को भी स्टेज पर बुलाकर इनाम से नवाजा जाएगा इंशाल्लाह। इसमें कई कॉन्सोलेशन प्राइजेस भी है, और 100 कॉन्सोलेशन प्राइजेस, जो भाग लेने वाले बच्चे हैं वो 100 पहली एंट्रीज जो आएगी उनको भी इंशाल्लाह, जो आगे बढ़ेंगे उनके अंदर जो 100 लोग होंगे उनको भी इंशाल्लाह हम प्राइजेस देंगे। हम चाहते हैं कि आपकी दिलचस्पी कुरान और अहले बैत पर हो और हमारे देश पर हो। इंशाल्लाह एक दूसरा सेशन आएगा जिसमें इंडिया के ताल्लुक से सवालात होंगे, अब कुरान और अहले बैत के ताल्लुक से सवालात है। और ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी मसलक का कोई भी मुसलमान इसमें हिस्सा ले सकता है। तो आपको पहला सवाल जो होगा वो अभी मैं शुरू कर रहा हूं। नाजरीन, ये पहला सवाल होने वाला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ताल्लुक से, जो पहला सवाल होगा, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज, सिवड़ी क्विज कॉन्टेस्ट का पहला क्वेश्चन होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ताल्लुक से होगा, जिसमें आपको वक्त बताना है सुबह सादिक, तारीख बताना है 12 रबीउल अव्वल, दिन बताना है पीर, और जगह बताना है मक्का। इख्तलाफात इन तारीखों में बहुत है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी 12 रबीउल अव्वल ही याद करें। हमें मालूम है कि और मसलक वाले कुछ और तारीख बोलते हैं, लेकिन हमें बच्चों को अब जो तालीम देना है, हमारे बच्चों को तालीम ही नहीं देना बल्कि जो क्विज का जो कॉन्टेस्ट है, इसका जो सवाल है, उसके लिए याद रखें कि इसका आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए, 12 तारीख 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, और वो दिन था पीर का और जगह थी मक्का। ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? दूसरा सवाल
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? तो उसका जवाब है हजरते आमिना सलामुल्ला अलैहा। अब जिस तरीके से मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, उसी तरीके से आपको बताना, आपको चेंज नहीं करना। मैंने कहा हजरते आमिना सलामुल्ला अलैहा, तो इसी तरह बोलना है हजरते आमिना सलामुल्ला अलैहा। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के वालिदे मोहतरम का नाम क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरम का नाम क्या था? ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल आपके लिए सामने है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरम का नाम क्या था? तो उसका आंसर है, उसका जवाब है हजरते अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्या है? हजरते अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था। ये तीसरा क्वेश्चन था और ये उसका आंसर था। चौथा सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम क्या था? ये चौथा सवाल है और इसका आंसर है, इसका जवाब है हजरत हुजूर अहमद आलम सल्लम के दादा का नाम था हजरत अब्दुल मुतल्लिब रदी अल्लाह ताला। क्या नाम था? हजरत अब्दुल मुतल्लिब रदी अल्लाह ताला। इसी तरीके से आपको याद करना है। ये चौथा सवाल। पांचवा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान का नाम जिन्होंने उनकी परवरिश की। सवाल बगौर समाज फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम, चचा जान का नाम जिन्होंने उनकी परवरिश की, जिन्होंने उनको पाला, हुजूर अहमद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम क्या था? ये पांचवा सवाल है, जिन्होंने उनको पाला, तो उसका जवाब है हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम। जैसा सवाल है, जैसा जवाब है, वैसे ही आपको जवाब देना है, उसे याद करना है, नोट कर ले, हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ये तमाम सवालात और तमाम सवालात के जवाब आप लिख कर याद करें या इस वीडियो को बार बार देखें ताकि हमारे व्यूज भी बढ़े। और हां, एक शर्त यह भी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम क्या था? आपकी बेटी का नाम, ये छठा सवाल है, हुजूर अहमद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम क्या था? तो उसका आंसर है हजरत फातिमा सलामुल्ला अलैहा, या आप ये कह सकते हैं जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्ला अलैहा, या आप ये भी कह सकते हैं सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्ला अलैहा। जब भी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत का नाम लिया जाए तो अपनी गर्दनें झुका लें, ये अदब का मकाम है। अगर आपने इस तरीके से जवाब दिया गर्दन झुकाकर, तो जजेस वो देखेंगे और आपको हो सकता है कि उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट मिले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम जनाबे फातिमा सलामुल्ला अलैहा, फातिमा जहरा सलामुल्ला अलैहा, सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सलामुल्ला अलैहा। तो हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम के बेटे का नाम क्या था? यह है आपका सातवां सवाल। हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम के बेटे का नाम क्या था? सवाल अच्छे से सुनिए। हजरत अबू तालिब जो उनके चचा थे, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी, उनके बेटे का नाम क्या था? तो आपका जवाब है मौला ए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, या आप कह सकते हैं इमाम इमाम मौला अली अलैहि सलाम, ये भी कह सकते हैं आप हजरत मौला अली अलैहि सलाम भी कह सकते हैं आप। ठीक है, आप जितने अच्छे तरीके से इसका जवाब याद करेंगे, जवाब देंगे, उतना आपके तरफ जजों की तवज्जो ज्यादा होगी। तो हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम के बेटे का नाम क्या है? जनाबे मौला अली अलैहि सलाम, यानी मौला अली करम अल्लाह ताला वजूल करीम अलैहि सलाम, ये हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम के बेटे का नाम है, याद रखिए। अब इसमें आपको आठवां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का नाम क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का नाम था हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जिस तरीके से मैं जवाब दे रहा हूं आपको उसी तरह जवाब देना है। हुजूर अहमद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे थे जिनका नाम था हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब आइए नौवे सवाल की तरफ हम जाते हैं, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के ताल्लुक से होगा। यह सवाल होगा कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई, तो आपको तारीख वक्त और जगह बताना है, यानी
तीनों तीनों जवाब आपको एक साथ दे देना है। आपको यह कहना है इमाम हसन अलैहि सलाम जोहर के वक्त 15 माहे रमजान 3 हिजरी मदीने शरीफ में आपका जहूर हुआ यानी आपकी विलादत हुई हजरत इमाम हसन अलैहि सलाम। याद रखें यह नौवां सवाल है। दसवां सवाल देखिए, दसवां सवाल आया भी दसवें नंबर पर और दसवीं तारीख की निस्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है क्योंकि आपको 10 तारीख को शहीद किया गया करबला में। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख क्या है और विलादत कब हुई, तो आपको ये सवाल का इसी तरह जवाब देना है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला में शहीद हुए थे उनकी उनकी तारीख पैदाइश की 3 शाबान है, 4 हिजरी फज्र के वक्त जगह मदीना शरीफ। यानी आपको इस तरीके से सवाल का जवाब अगर आप हुस्न के साथ दे सकते हैं, आप कुछ अपनी चीज मिलाकर दे सकते हैं, तो ये और आपकी तरफ लोगों को तवज्जो दिलाएगा, जजों को तवज्जो दिलाएगा और जो आपको वहां जज कर रहे होंगे उनकी तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी अगर आप इसमें जितना हुस्न ला सके। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई, वक्त था फजर का, तारीख थी 3 शाबान और 4 हिजरी और जगह थी मदीना शरीफ। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ, 11वें सवाल की तरफ, मौला अली की बेटी का नाम क्या था। अब यहां पर मशहूर जमाना जो बेटी थी जनाबे जैनब, जैनबे कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, ये उनकी बेटी का नाम था। किसकी बेटी थी, मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बेटी जनाबे जैनब, जनाबे जैनब सलामुल्लाह अलैहा, जैनबे कुबरा। अगर आप जैनबे कुबरा का लफ्ज यूज करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हम उस जैनब की बात कर रहे हैं जो मौला अली की बेटी है, वरना जैनब नाम की और भी जैसे जैनब सुगरा भी है, जैनब सुगरा का भी जिक्र आता है। तो मौला अली की बेटी का नाम क्या था, जनाबे जैनब कुबरा सलामुल्ला अलैहा। ये सवाल है 11वां और इसका ये जवाब है। तो अब बताते हैं कि आप 12वें सवाल पे चलते हैं, जनाबे जैनब कुबरा सलामुल्ला अलैहा की विलादत, जनाबे जैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत कब हुई, तो आपको कहना है 1 शाबान को हुई। कौन से दिन हुई, 1 शाबान को। ये इसका सवाल का जवाब है 12वें। और आइए 13वें सवाल की तरफ, हजरत अब्बास अलैहि सलाम की विलादत कौन सी तारीख को हुई है। ये है आपका 13वां सवाल, हजरत अब्बास अलैहि सलाम की विलादत। ये हजरत अब्बास ये भी मौला ए कायनात करमल्लाहु ताला ताला वजुल करीम के बेटे हैं और इनकी विलादत कब हुई, तो उसका जवाब है 4 शाबान। कितनी शाबान, 4 शाबान। ये याद रखें कि उनकी तारीख विलादत है 4 शाबान। अच्छा 14वां सवाल है, 14 सवाल, इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई, कौन सी तारीख को हुई। इमाम जैनुल आबिदीन ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई, तो वो है 5 शाबान। ये आपका 14वां प्रश्न है, क्वेश्चन है, सवाल है, यानी 14th सवाल, इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई, तो 5 शाबान। ये आपके 14 सवाल यहां पर होते हैं और इंशाल्लाह और सवाल आते हैं जो मैं आपसे कर रहा हूं। ये 14 सवाल के बाद एक सवाल ऐसा है जो बहुत उसका बड़ा आंसर है और उसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, और वो क्या है, 14 मुकद्दस हस्तियों के नाम जो अहले बैत में से हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया। 14 मुकद्दस हस्तियों के नाम जो अहले बैत में से हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गुनाह न किया हो, उनके नाम क्या है। बहुत ही अहम सवाल है और ये वो सवाल है जो हर कंटेस्टेंट को याद होना चाहिए। दो सवाल आ रहे हैं अभी, आपका जो ये 15वां सवाल है, जो 15वां सवाल है और जो 16वां सवाल है, ये दो सवाल ऐसे हैं कि जिनको हर कंटेस्टेंट को याद करना है, मतलब ये उसके लिए एंट्री पॉइंट है। अगर आप कंटेस्टेंट में अंदर जाना चाहते हैं तो ये दो सवाल के जवाब आपको पूरी तरह याद होना चाहिए, यानी वो 14 मुकद्दस हस्तियों के नाम क्या है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गुनाह ही नहीं किया, जिनसे कोई खता ही नहीं हुई, खताई इस्तेहादी भी नहीं हुई, ऐसी हस्तियां कौन हैं पूरे रुए जमीन पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा के बाद से लेकर आज तक की दुनिया में ऐसी कौन सी हस्तियां हैं, 14 हस्तियां जिनसे कभी कोई गुनाह का इम्कान हो ही नहीं सकता और इन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, ये मुकद्दस हस्तियां। इन 14 हस्तियों के नाम आपको याद करने हैं। पहला
हुजूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, पहला नाम। दूसरा नाम सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत जनाबे फातिमा तुज़्ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा, दूसरा नाम। तीसरा नाम इमाम अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम, चौथा नाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, पांचवा नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, छठा नाम इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, सातवा नाम इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, आठवा नाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, नौवा नाम इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, दसवा नाम इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, ग्यारहवा नाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, और बारहवा नाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, तेरहवा नाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और चौदहवा नाम आने वाले इमाम इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम। ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने हर गुनाहों से महफूज कर दिया, और इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह किया ही नहीं। कोई तारीख में एक वाकया भी नहीं बता सकता है कि इन हस्तियों ने माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर कोई ये सोच रखे कि इन्होंने गुनाह किया तो वो शख्स जो है वो नाज़बी खारजी है जिसने ऐसी सोच रखी। ये 14 मुकद्दस हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया। आपको ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा इनके नाम याद करने हैं तो। अब मैंने वो रिपीट नहीं करना है क्योंकि अभी मैं चल रहा हूं अपने 16वें क्वेश्चन के ऊपर, 16वें सवाल के ऊपर, 16वें प्रश्न के ऊपर। जो प्रश्न आपको याद रखना है ये एंट्रीज है, ये एंट्रीज है, इसमें आपको एंट्री पॉइंट है, और एंट्री पॉइंट में क्या है 12 अइम्मा अहले बैत के नाम क्या है, ये 16वां प्रश्न है आपके साथ, ये 16वां क्वेश्चन है आपके पास कि 12 अइम्मा अहले बैत के नाम क्या है, कितने 12 अइम्मा अहले बैत। अइम्मा अहले बैत में आपको एक्सप्लेन कर दूं, वो इमाम जो अहले बैत इमाम है, जो हमारे इमाम है, जो अहले सुन्नत वल जमात के भी इमाम है, और जो अहले तशय्यू के भी इमाम है, तो वो मुकद्दस 12 अइम्मा अहले बैत के नाम क्या है, 12 अइम्मा अहले बैत के नाम क्या है। इमाम अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम पहले इमाम है हमारे, इमाम अली, इमाम अली मौला अली, मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम दूसरा नाम, तीसरा नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथा नाम इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पांचवा नाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, छठा नाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सातवां नाम इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, आठवां नाम इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, नौवां नाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, दसवां नाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, ग्यारहवां नाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और बारहवां नाम इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम। ये 12 इमाम के नाम जो अइम्मा अहले बैत है उनके नाम भी आपको याद करना, ये एंट्री पॉइंट है। जिन लोगों को ये नाम याद नहीं होंगे उनको क्विज में तो एंट्री नहीं मिलेगी, ये हमारी एंट्री पॉइंट है। आपको 16 सवाल मैंने आपको दिए हैं, अब आइए 17वें सवाल पे। 17वां सवाल क्या है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई, कौन सी तारीख को हुई, तो आपको बताना है 13 रजब। कहां हुई, मक्का में हुई, 13 रजब मक्का में। देखिए पूरा आंसर जो है ये है 13 रजब मक्का में और काबे के अंदर, कहां हुई काबे के अंदर, ये पूरे सवाल का ये पूरा जवाब है, काबे के अंदर। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत 13 रजब मक्का में काबे के अंदर हुई, तो ये 17वां सवाल है काबे के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है 17वां सवाल। 18 मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत कब हुई, कौन सी तारीख को हुई, 21 रमजान कूफा में, और कूफा के शहर में, कूफा में 21 रमजान को इमाम अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, आपकी शहादत हुई, ठीक है। अब आइए हमारे 19वें सवाल पे चलते हैं। 19वां सवाल जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत कब हुई, बहुत अहम सवाल है, और इनकी विलादत वो विलादत है जिस विलादत ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हंसी लेकर आई थी। जनाबे खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो आपकी वालदा है उनके भी चेहरे पर खुशी आई थी उस दिन। ये जनाबे फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की तारीख है, और वो तारीख याद रखे 20 जमादुल आखिर, 20 जमादुल आखिर, ये सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत की पैदाइश की तारीख है। और आपके विसाल की तारीख में बहुत सारे इख्तलाफात है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप जो विसाल की तारीख मानते हैं उस हिसाब से माने। हजरत फातिमा तो ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा की विसाल की तारीख भी याद रखे, ये 20वां सवाल है, तो आपका जवाब देना है 3 माह रमजान, ठीक है। इन तारीखों में इख्तलाफात है मगर हमें 3 रमजान के ऊपर
लोगों की तवज्जो दिलानी है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत कब हुई ये भी आपको याद रखना है, और आपको जहर दिया गया था और आपकी शहादत 28 सफर को ही, सफर के महीने की 28 तारीख। तो सवाल क्या है जनाबे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख क्या है? तो शहादत की तारीख का जवाब यह है कि आपकी शहादत सफर के महीने में 28 तारीख को हुई थी। ये सवाल का जवाब है। और आपकी शहादत कौन से सबब हुई थी इसी सवाल के अंदर, ये जो सवाल है 21वां सवाल, इसी सवाल में आपकी शहादत का सबब क्या था कि आपको जहर दिया गया था। ठीक है, मैं इसको ऐड कर रहा हूं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख तो आप सबको मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कि 10 तारीख 10 मुहर्रम की तारीख आपकी शहादत जुमे के रोज हुई थी। तो ये जुमे के रोज याद रखिए, जुमे के रोज आपकी शहादत हुई थी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की 10 मुहर्रम को। ये 22वां सवाल। 23वां सवाल, मौला अली अलैहिस्सलाम और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह कौन सी तारीख को हुआ था? तो उसका जवाब है 1 ज़िलहज। 1 ज़िलहज को मौला अली अलैहिस्सलाम और जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हुआ था। 24वां सवाल, मौला अली अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या था? मौला अली अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम यानी उनकी अम्मी का नाम क्या था? आपकी वालदा का नाम है हजरत फातिमा बिनते असद। क्या नाम है? हजरत फातिमा बिनते असद, याद रखेगा। ये 24वां सवाल है। और उसके बाद 25वां सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जोजे मोहतरमा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वालदा, वो जोजे मोहतरमा जो फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की वालदा, उनका नाम क्या है? ये 25वां सवाल है। हुजूर सल्लल्लाहु, या थोड़ी सी राइटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए मुझे थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जोजा जिनका नाम जनाबे खतीजा है, ये आपका सवाल का जवाब है। जनाबे खतीजा सलामुल्लाह अलैहा, यानी यहां पर वो लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की वालदा, यानी जो जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की वालदा का नाम क्या है? तो हजरत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा। ठीक है, ये याद रखें आप। ये है 25वां सवाल। अब आइए हम 26वें सवाल पे चलते हैं, जो कि इंशाल्लाह यहां पर आपको मिलेगा कुरान में। कुरान में मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में कितनी आयतें नाजिल हुई है? सवाल याद रखिए 25वां, कुरान में मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में कितनी आयतें नाजिल हुई? कुरान की कितनी आयतें मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई? तो आपका जवाब है 300 से ज्यादा आयतें। कितनी? 300 से ज्यादा आयतें मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में कुरान में नाजिल हुई है। 26वां सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान का नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान का नाम क्या है? तो आपकी दादी जान का नाम है हजरत फातिमा बिनते अम्र सलामुल्लाह अलैहा। आपकी दादी जान का नाम क्या है? हजरत फातिमा बिनते अम्र। या आप ये कह सकते हैं जनाबे फातिमा बिनते अम्र सलामुल्लाह अलैहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान का नाम क्या है? 27वां सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान का नाम क्या है? तो हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ। हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ, ये हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान का नाम है। और 28वां सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी जान का नाम क्या है? तो उनका नाम है हजरत बरा बिनते अब्द उज्जा। हजरत बरा बिनते अब्द उज्जा, यानि ये 28वां सवाल है। उनका नाम था जनाबे बरा बिनते अब्द उज्जा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई है? बहुत ही आसान सवाल है, सारे बच्चों को याद होगा, मालूम होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई। तो वो है कुरान मजीद, कुरान शरीफ, कुरान करीम, आप ऐसा कह सकते हैं। ये 29वां सवाल था। 30वां सवाल है, अंबिया अलैहिस्सलाम की कुल तादाद कितनी है? अंबिया अलैहिस्सलाम की कुल तादाद कितनी है? तो उसका जवाब है 1,24,000 कमोवेश। 1,24,000। अजान हो रही है और इंशाल्लाह इसके बाद का वीडियो अजान के बाद बनाता हूं। ओ, 31वां सवाल था, अंबिया अलैहिस्सलाम की कुल तादाद कितनी। थोड़ा सा ये क्वेश्चंस में आगे पीछे हो गया, लेकिन क्वेश्चंस सारे वही है, सवालात वही है, खाली जवाबात याद करने के सवाल के साथ
लाइन वाइज कोई पूछा नहीं जाएगा, बीच बीच में से पूछा जाएगा। अंबे अलैहि सलाम की कुल तादाद कितनी है? 1,24,000 कमोबेश। ये सवाल का जवाब है, मतलब अभी कुल तादाद में किसी को भी पता नहीं है। कई मुहद्दिसीन, कई तारीख दां, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर यही लिखा 1,24,000 कमोबेश, यानी कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सवाल का ये जवाब है। और आइए 32वें सवाल पे, रसूलों की तादाद कितनी है? रसूलों की तादाद या तो 313 है या तो 315 है, ये भी कमोवेश 313-315 के बीच में। रसूलों की तादाद कितनी है ये सवाल है, तो उसको उसका आंसर है 313 या 315। ठीक है, अब ये हमारा 32 सवाल यहां पर पूरे होते हैं। और 33वां सवाल जो है वो ये है, उलुल अज्म के नबी कितने हैं? सवाल सुनिए, उलुल अज्म के नबी कितने हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए कि उलुल अज्म के 5 नबी है। कितने नबी है? 5। अब उसके आगे इसका सवाल होगा, उलुल अज्म के नबी का नाम बताएं, जो उलुल अज्म के नबी हैं उनका नाम बताएं। यह है 34वां सवाल। पहला आंसर उसका है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा हजरत नूह अलैहि सलाम, तीसरा हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, चौथा हजरत मूसा अलैहि सलाम और पांचवा हजरत ईसा अलैहि सलाम। ये उलुल अज्म के नबियों के नाम है। उलुल अज्म के नबियों के नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत नूह अलैहि सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, हजरत मूसा अलैहि सलाम और हजरत ईसा अलैहि सलाम। ठीक है, याद करिए। और पांचवी, आसमानी किताबें कितनी है? पांचवा 35वां क्वेश्चन जो है, 35 हम क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। आसमानी किताबें कितनी है? तो उसका जवाब है 4 है। 4 किताबें आसमानी है। आसमानी किताबों के नाम बताएं, ये 36वां क्वेश्चन है, 36वां सवाल है, 36वां प्रश्न है। आसमानी किताबों के नाम बताएं, तो उसका जवाब है तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान शरीफ। तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान मजीद या कुरान शरीफ। ठीक है, ये 4 किताबों के नाम है, याद रखिएगा। और 37वां जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, तौरेत किस नबी पर नाजिल हुई? तौरेत जो किताब है वो किस नबी पर नाजिल हुई? तो उसका जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जबूर किस नबी पर नाजिल हुई? तो उसका सवाल का जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। 39वां क्वेश्चन जो है, इंजील किस नबी पर नाजिल हुई? तो उसका सवाल है, उसका जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जो आखिरी सवाल है वो ये है, हजरत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिदे मोहतरम का नाम। तो आपको सबको मालूम है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन के वालिदे मोहतरम का नाम है मौलाए कायनात मौला अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम। ये 40 अभी आपको क्वेश्चंस बताए गए पहले वीडियो में, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आने वाले हैं। तो इन 40 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सुने, उसे अगर चाहे तो अपनी किताब में लिख लें, और लिखने के बाद आप उसे याद करें, अच्छे से याद करें। इसी सवाल के अंदर 40 सवालों में अभी शुरुआत की जो हमारे सेशंस होंगे, हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं, 7 नवंबर है। तो 7 नवंबर की दिन ये हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, और आज ही के दिन तीसरी मीटिंग है। और तीसरी मीटिंग में आपको सवालों के जवाब भी देने, हम लोगों ने कुछ सवाल पहले याद कराए उनके जवाब देने, एक स्टोरी बताई जाएगी, उस स्टोरी के मुताबिक कुछ सवाल होंगे, और उसमें जो जीतेगा उसमें हम लोग छोटे छोटे इनाम भी रखें। लेकिन आने वाली जो 31 दिसंबर की तारीख है उसमें बड़े बड़े इनाम देने जाने वाले हैं। इनाम में हो सकता है कि आपको साइकिल मिले, इनाम में हो सकता है आपको लैपटॉप मिले, इनाम में हो सकता है आपको एंड्रॉइड फोन मिले, इनाम में हो सकता है कि आपको टैबलेट मिले, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें, नायाब चीजें जो आपकी जरूरत की हो, आपकी पढ़ाई में जो आपको तकवीत दे, आपको काम आए, आपकी जिंदगी में काम आए रोजमर्रा की, ऐसे इनामात आपके पास हम लाने वाले हैं और आप लोगों को देने वाले हैं। तो ये तमाम सवाल जो आपको दिए गए उसके जवाब आप याद करें, और इस सिवड़ी क्विज कॉन्टेस्ट में जरूर हिस्सा लें, क्योंकि आप हिस्सा लेंगे तो हमें खुशी होगी कि आप इनाम जीतेंगे। सलामुन अलैकुम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट जरूर करें अपने और अपने वालिद का नाम, आपका नाम, आपके वालिद का नाम इस वीडियो में जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। शुक्रिया नाजरीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।